रामचरितमानस को लेकर विवाद अब सड़कों पर आ गया है। लखनऊ में कुछ लोगों ने मानस की प्रतियों को जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने मानस के उन हिस्सों की कॉपी को जलाया है जिसमें दलितों और ओबीसी वर्ग का अपमान किया गया है। यह पूरा मामला अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर लगाकर किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हैं। लखनऊ के वृंदावन इलाके में प्रदर्शनकारियों ने मानस की कॉपी जलाई। हंगामा करने वाले लोगों ने कहा कि उसमें महिलाओं, दलितों और ओबीसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि आज के वैज्ञानिक युग में दुनिया चांद पर जा रही है, दूसरे ग्रहों पर जा रही है और भारत का 15% समाज 85% समाज को बेवकूफ बनाकर पीछे ले जा रहा है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि धर्म के नाम पर पिछड़ों और दलितों को गाली क्यों दी गई है। गाली धर्म हो ही नहीं सकता है, जिसमें मानवता आहत हो वो धर्म नहीं हो सकता है। लखनऊ में प्रतियां जलाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया जा रहा है। आपत्तिजनक पेज को कोई जला रहा है तो वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मौर्य ने 22 जनवरी को कहा था कि सरकार को इन आपत्तिजनक अंश को हटाना चाहिए या पूरी किताब को बैन कर देना चाहिए, जिसमें दलितों, पिछड़ों की भावनाओं को आहत किया गया है। उन्होंने कहा कि वे इसे लेकर कई बार सार्वजनिक रूप से आपत्ति जता चुके हैं। किसी भी धर्म को किसी के बारे में गाली देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। बीजेपी के कई नेताओं ने सपा को हिंदू विरोधी बताया। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई है। समाजवादी पार्टी ने इस विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाया है। इस फैसले के बाद बीजेपी ने फिर पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि स्वामी प्रसाद को रामचरितमानस के अपमान का पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है जब किसी धार्मिक ग्रंथ को इस तरह सार्वजनिक रूप से जलाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आज से करीब 100 साल पहले पहली बार मनुस्मृति की प्रति को जलाया था। तारीख थी 25 दिसंबर 1927। तब से आज तक 25 दिसंबर को हर साल देश के कई इलाकों में मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम होता है।